बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं उनके ससुराली। अंकल और सुंबुल तो फिर भी काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन आंटी और दुला भाई का तो मिजाज ही नहीं मिलता है। ये तो आप ही में बहुत बर्दाश्त है, इतनी बातें सुनाते हैं लेकिन आप ही उफ तक नहीं करती। क्या प्रॉब्लम है उनको, इतनी अच्छी तो है फिजा। आपके घर छोड़ने के बाद अगर अजाब हमारे अलावा किसी ने भुगता है तो वो फिजा आती हैं। उनको इतने दाने दिए कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। अगर उन्हें पता लग गया कि आप हमारे पास वापस लौट आई हैं तो शायद वो आप ही का मिलना जुलना ही हमसे ख़त्म कर दें। दुल्हा भाई ने तो आप ही को तलाक की धमकी भी दी थी। जब आप और मैं खाला बनने वाले थे तो दुल्हा भाई ने आप ही के ऊपर इतने बुरे इल्ज़ाम लगाए कि मुझे तो लगता है कि आप ही खुद से नहीं गिरी थी, उन्हें जानबूझ के गिराया गया था। चावल देखा तुम, जरा से सामान के लिए इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। हाँ भैया, आपको जरा सा सामान लग रहा है, पूरा दिन लग गया इसमें। और गलती से मेरी एक छुट्टी का दिन क्या आ गया, ये इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी। आइंदा से मैं नहीं जा रहा। हाय हाय, मैंने इसको क्या कह दिया ऐसा जो कि इस तरह से चला गया। जरूर तुमने कोई फरमाइश की होगी। मैं कब कोई फरमाइश करती हूँ बीबी। ये बाल ना मैंने धूप में सफेद नहीं किए, मुझे अच्छी तरह से पता है। जब बीवियाँ अपने मियाँ के साथ जाती है ना, खूब चटोरी बन जाती हैं। कभी चाट, कभी हलीम, कभी दही बड़े, यही फरमाइशें हो रही होती हैं। तुमने भी ना जरूर कोई उल्टी सीधी फरमाइश की होगी, तभी इतना चिड़के गया है। जी। कुछ कहा तुमने? नहीं जी, मैं तो चुप हूँ। तो चुप क्यों खड़ी हो, उठाओ ना ये सब, किचन में रखो जाके। और तेल पे ना जरा हाथ हौला रखना, बहुत महंगा हो गया तेल। जी। जल्दी। स्लो मोशन। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। वापस क्यों नहीं जा रही हो? वो साईं, बीबी साहब ने खाना खाने से इनकार कर दिया है, उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी साईं। दुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं, कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। सर में दर्द? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इतने से दर्द के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है? मैं मेडिसिन खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मेडिसिन खाओ। खाना खासा एक घंटे में दर्द सही नहीं हुआ तो फिर चलेंगे। सर में दर्द हो क्यों रहा है तुम्हारा? मैंने दर्द से नहीं पूछा। थोड़ी देर लेट जाऊं।
दुआ क्या सोचती होगी, मैंने उसे सरफराज से नहीं मिलवाया। सरफराज अब तक दुआ की वापसी से लाइल्म है, अगर उन्हें दुआ की वापसी का पता चल गया तो वो तो मेरा सबसे जीना मरना खत्म करवा देंगे या फिर मुझे तलाक दे देंगे। क्या करूं, कैसे इस मुश्किल से निकलूं? क्या पता लगाओगे ये कि वो किसके साथ? उसने नहीं किया, मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूं, मेरी बहन दुआ ऐसी नहीं है। बस चुप, अब तुमने उसका नाम लिया ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। भाभी डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं आओ। अच्छा देखिए, खिजर ने ना निकाह के लिए ना कुछ आउटफिट्स की पिक्चर्स भेजी हैं, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दे। दिखाओ। ठीक है, ये है, इसका कलर बहुत प्यारा है, लेकिन ये खुद से बहुत प्यारा है। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला देखें, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है और एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी प्यारी हुई है। पहले वाले दिखाना, ये वाला और दूसरी ये, इसकी एम्ब्रॉयडरी ये वाला ना बहुत ही अच्छा है, तुम पर ये कलर बहुत सूट है ना, मुझे भी ये लग रहा था। डन कर दूं? कर दो फौरन। चलो डन। माशाल्लाह कितनी खुश लग रही हो जब से निकाह की बात हुई है, सब ग्लो आ रहा है ना तुम्हारे चेहरे पे। जिसकी इतनी प्यारी भाभी हो वो खुश क्यों ना हो, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, और ये सब कुछ हुआ है आपकी वजह से। अल्लाह ने अगर तुम्हारे नसीब में खिजर को लिखा है ना, मिलके रहेगा वो तुम्हें। कभी कभार सोचती हूँ आप मुझे बिल्कुल दुआबाजी की तरह प्यार करती हैं। जाहिर है, कितनी अच्छी थी वो, बहुत प्यारी थी। एक ही बार मुलाकात हो पाई उनसे, पता नहीं कैसी होंगी, कहाँ होंगी। बहुत अच्छे हाल में। आपको कैसे पता कहाँ है वो? तो आप वापस आ गए, हम उसे शादी कर लिए बेहद अमीर आदमी से, और गजनवी भाई बहुत अच्छे हैं, से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम सबने भी माफ कर दिया उसे। क्या? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। हमारी अम्मी ने या सरफराज ने सुन लिया ना तो फिर कयामत आ जाएगी। भाई को नहीं बताया? तो उसका नाम तक सुनना नहीं पसंद करते हैं। ये तो है। फिर अब यही सोच रही हूँ, क्या करूं क्या कहूं। अगर दुआ बाजी का आपके घर आना जाना हो गया है तो भाई तक तो ये बात आ जाएगी, और कहीं और से अगर ये बात आई तो उनका रिएक्शन बहुत खराब होगा। इससे पहले कोई और बताए आप बता दें, बल्कि काम करें आप अब्बू को एतमाद में लें, अब्बू भाई से बात कर लेंगे और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ यही करूंगी, लेकिन अभी नहीं, एक दफा खैर खैरियत से तुम्हारा निकाह हो जाए उसके बाद मैं नहीं चाहती तुम्हारी खुशियों में कोई रुकावट आए। देखा, अपने से पहले फिर दूसरे का सोचा, इसीलिए कहती हूँ अनमोल है आप। चले अब आप और चीजें देखें, मुझे ना पहले प्यार दे दो। मुझे ज्वेलरी भी सेलेक्ट करवाए ना। तुम्हें क्या पसंद है वो दिखाओ। दिखाती हूँ, देखिए ये वाली है, ये बहुत प्यारी है।